हेलो डियर स्टूडेंट, हमारी मॉडल पेपर सीरीज चल रही थी कक्षा 8 के लिए इंग्लिश की बोर्ड एग्जाम के लिए। अभी हम 9 नंबर मॉडल पेपर हल करेंगे। मैं पार्ट फर्स्ट में देखिए, भी चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आई हैव टेकन नथिंग, मैं कुछ नहीं ले चुका हूँ, ब्लैंक मॉर्निंग, मॉर्निंग से। अब देखो भी यहाँ पर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, या हैज हैव प्लस में बीन प्लस में आई एन जी आ जाए। तो अगर यहाँ पर टाइम हो तो यहाँ पर फोर सिंस आता है, अगर निश्चित समय हो तो सिंस आएगा, अनिश्चित समय हो फोर आएगा। जिस प्रकार चार बजे, 4 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, इस प्रकार का टाइम हो, मंडे संडे हो, जनवरी फरवरी हो, तो सिंस आएगा। अदरवाइज 4 days, 5 days, 3 days, 3 years, इस प्रकार का टाइम हो तो फोर का प्रयोग होगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, भी ए ऑप्शन सही होगा। आपको इस प्रकार यहाँ पर ए ऑप्शन फिलअप करना है। तो नीचे इस प्रकार सारणी दी हुई होगी, वहां पर पहले मैं आपको यहाँ से ए फिलअप करना है। दो नंबर सेंटेंस देखिए भी, आई डोंट नाउ, मैं नहीं जानता, द बॉय, लड़के को, स्टोल योर मनी। अब देखो भी यहाँ पर आई डोंट नाउ द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जानता, ही स्टोल योर मनी, जिसने तुम्हारी या उसने तुम्हारी मनी चुराई थी। अब यहाँ पर देखो लड़के के लिए आए, लड़का कौन है, लड़के के लिए क्या आता है, अभी ही प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी सही होगा। तो आपको यहाँ पर बी अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो धन है वो लड़के ने चुराया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी ही आएगा। रोहित बीन लर्निंग इंग्लिश फोर फाइव ईयर्स, यहाँ पर देखो अभी टाइम आया हुआ है 5 साल, एनिशियस में है, तो यहाँ पर फोर का यूज हो गया। अब यहाँ पर देखो अभी फोर सिंस प्लस में टाइम आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो यहाँ पर रोहित के साथ में एक वचन करता आएगा, यहाँ पर कहेगा भी हैज, रोहित हैज बीन लर्निंग इंग्लिश 5 years, रोहित है वो 5 साल से इंग्लिश सीख रहा है, क्योंकि रोहित एक वचन है तो हैज आएगा, नहीं तो यहाँ पर क्या आता, अभी हैव आता। तो आप यहाँ पर ए लिखोगे। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, आपको डिफरेंट साउंड चेक करना है। नीचे अंडरलाइन की हुई है आउट, इसमें ओ यू है वो आउ की ध्वनि दे रहा है, आउट, लाउड, फाउंड, शोल्डर, ये क्या है अभी सो, ओ की ध्वनि है यहाँ पर, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका क्या नंबर में क्या आएगा, अभी डी ऑप्शन आएगा। 5 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विलेज, कौन सी चीज़ है वो गांव से संबंधित नहीं है, टेंपल गांव में होते हैं, फार्म्स खेत गांव में होते हैं, एयरपोर्ट गांव में नहीं होता, क्योंकि जहां पर जनसंख्या आबादी ज़्यादा हो वहां पर एयरपोर्ट होता है, बस स्टैंड गांव में होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो 5 नंबर में आप क्या अप्लाई करोगे, सी। वी स्टडी इन सेम स्कूल, हम सेम स्कूल में या उसी स्कूल में अध्ययन करते हैं। अब देखो भी सेम एक वर्ड है, ये आने पर आप यहाँ पर द आर्टिकल लगाओ, क्या लगाओ भी याद रखना, सेम प्लस में कोई नाउन आ जाती है तो आप हमेशा कौन सा आर्टिकल प्रयोग करोगे, द आर्टिकल का प्रयोग करोगे। द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेस्क्यू, रेस्क्यू होता है बचाना। अब आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, इनमें आपको बचाना का अर्थ लिखना है, बचाना, यहाँ पर सेविंग भी बचाना होता है, यूजिंग उपयोग में लेना, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करना, सिटिंग बैठना, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सी होगा आपका। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, भी ये लिखना, सेविंग। पार्ट सेकंड है, उसमें आपको क्या मिलेगा, अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन 8 से 11 देखिए भी, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रेक्स, यहाँ पर 4 ऑप्शन है ब्रेक में दिए हुए, कलर्स, होली, पेंट, पार्टी, इनका यूज करना है। ये सबसे ज्यादा अंक बार लिए हुए क्वेश्चन आएगा आपके, 4 प्रश्न है तो 2 अंक के 8 अंक आएगा। इट वॉज होली, क्या था भी, होली। तो यहाँ पर क्या लिखोगे भी, होली, यहाँ लिखोगे आप 8 नंबर में होली। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार, एंड गाइटी, खुशी का, यहां पर 9 नंबर में क्या लिखोगे भी, कलर्स। एंड देयर वॉज ए बिग पार्टी इन द हाउस, घर में क्या हुई, बहुत बड़ी पार्टी हुई, बिग पार्टी,
यहाँ पर वेंट वर्ब है, वर्ब तो आ नहीं सकती, पार्टी आएगा तो आप 10 नंबर में क्या लिखोगे भी, पार्टी। और 11 नंबर में क्या लिखोगे भी, गेस्ट केम, गेस्ट आई एंड वेंट, गई, आई और गई, बट द पार्टी कंटिन्यूड, परंतु पार्टी जारी रही। यहां पर क्या भी ये वर्ब अप्लाई करनी है आपको, वेंट। इस प्रकार आपके ये सेंटेंस करना था। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इनका बहुवचन बनाना है। जैसे लाइफ, एक नियम है एफ या एफ ई आता है तो हमें प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को उठाकर क्या लगाते हैं, वी ई एस लगाते हैं, तो एल आई एफ ई हटे क्या लगा दो भी, वी ई एस, लीव्स। हीरो में क्या है अभी ओ आया हुआ है, ओ एक्स एस एच सी एच डबल एस आने पर क्या होता है अभी, हम ई एस का यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे अभी, हीरोज। हीरो में क्या होता है अभी, नायक, हीरोइन, नायिका। राइट द मिसिंग लेटर इन द फ्लोइंग वर्ड्स, आपको इसमें मिसिंग लेटर लिखने, ये क्या है अभी, आई एन एस इंस्पायरेशन, यहाँ क्या लिखोगे अभी, आई एन एस पी, यहाँ पर P लेटर आएगा, इंस्पायरेशन, फिर T आएगा, इंस्पायरेशन क्या होता है, प्रेरणा होती है, P और T लिखोगे आप। ये क्या है अभी, डाउन पोर, डी ओ डब्ल्यू एन पी ओ यू आर, यहाँ O आएगा यहाँ W आएगा, इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये सेम का सेम मिलेगा आपको, इस प्रकार का प्रश्न, सो दैट एज लॉन्ग एज या वाइल का प्रयोग करना है कंजक्शन का। ड्यूरिंग ड्राइविंग ड्राइवर्स शुड यूज सीट बेल्ट, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को क्या रखनी चाहिए, सीट बेल्ट रखना चाहिए। दे रिमेन सेफ, ताकि वो क्या रह सके भी, सुरक्षित रह सके, ताकि, ताकि के अर्थ में क्या होता है, सो दैट का यूज होता है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे भी, सो दैट, क्या यूज करोगे भी, सो दैट। ये पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हो यहाँ सो दैट लगाकर, वैसे इस प्रकार भी लिखोगे तो भी अंक आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। अगेन वी टुगेदर शैल बी सून, यहाँ पर कर्ता आएगा तो कर्ता क्या है, इसमें वी है, फिर वर्ब आएगी तो यहाँ पर क्या है भी, शैल, इसके बाद में बी आएगा, वी शैल बी टुगेदर, हम साथ साथ होंगे, टुगेदर साथ साथ होंगे, अगेन दोबारा, सून शीघ्र ही, इस प्रकार आपको लिखना था। अगला सेंटेंस है, इन इट रिटन वॉज पेंसिल, करता इसमें क्या आएगा अभी, इट आएगा, इट वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में रिटन दी हुई, रिटन आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा अभी, मेन वर्ब आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इट वॉज रिटन, ये लिखा गया इन पेंसिल। अगर आप यहाँ पर पेंसिल आता है या यहाँ पर इंक आता है, स्याही, इस प्रकार के सेंटेंस में यहाँ पर इन प्रीपोजिशन आता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेन आता है तो विद आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, अब यहाँ पर चार वर्ड दिए हुए मिलेंगे आपको, उनका चूज करते हुए इन सेंटेंस में आपको लिखना है। वी शुड द ट्रैफिक रूल्स, हमें ये क्या है भी, शुड का प्रयोग हुआ है तो ये क्या है भी, मॉरल ड्यूटी है अपनी कि हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पर फॉलो आएगा, पहले में क्या आएगा अभी, फॉलो, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगला, वी शुड नॉट इन ड्रंकन कंडीशन, हमें ड्रंक किए हुए या ड्रंक स्थिति में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो यहाँ पर ड्राइव आएगा, ड्राइव क्या होता है अभी, गाड़ी चलाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आपको यहाँ पर 15 मॉडल पेपर का हल मिलेगा। धन्यवाद।